वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्प वस्तु प्रस्तुत वेणुना दलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहं सं प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा
जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। प्यारे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। बारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। बंधुओं, ये अकिंचन कथा है। यहाँ पंडाल नहीं बनता है, यहाँ पर माइक सिस्टम नहीं लगता है, यहाँ पर ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती, और जैसा कथाओं का क्रम रहता है वैसा क्रम नहीं है। यहाँ पर हमारे गंधर्वजन भी तीन ही हैं, लेकिन देखने में केवल बजाने वाले तीन हैं, सेवा में तीन हैं। वैसे देखा जाए तो आप सब भी इस कथा के गंधर्व हो। पीछे कोरस में गाने के लिए अकेले भैया नहीं, आप सब भी हो। माइक उनको भी नहीं है, माइक आपको भी नहीं है, दोनों की आवाज समान आनी चाहिए। तो इसमें यही मानो कि साधारण जो कथाएं होती हैं, अच्छा मैं उन कथाओं को साधारण कहता हूं, उसको विशेष कहता हूं। ये कथा साधारण नहीं है, ये विशेष है। क्यों? यहां श्रोता नहीं है, यहां श्रोता नहीं है, आप और मैं, हम दोनों ही वक्ता हैं। इसलिए अपने कर की ताल बजाओ और अपने कंठ के नाद ब्रह्म को प्रकट करो। ब्रह्म वेला है, गोविंद देव जी का मंगल आरती का क्रम हो रहा है। भाव से गाओ, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। देखो धीरे से जाना, श्री गोविंद देव जी को प्रणाम करके फिर से आगे बैठ जाना। तब तक कीर्तन चल ही रहा है, तो आरती हो रही है, जिस जिसको जाना हो दर्शन करो, प्रणाम करो, तुरंत आ जाओ। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हे द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। ओ श्री जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। श्री जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नाथ भजो राधे।
गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा विनोदी लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, राधा विनोदी लाल भजो राधे गोविंदा, राधा विनोदी श्री राधा विनोदी लाल भजो राधे गोविंदा, श्री मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, श्री मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, भक्तन को सुख दे राधे गोविंदा, जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद सरकार की, श्री राधा विनोदी लाल की, श्री गोपीनाथ लाल की, मदन मोहन लाल की, श्रीनाथ प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की, सब संतन की जय, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगल में प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत को प्रणाम। श्री राधा गोविंद देव प्रभु के कम करो थोड़े परम कृपा के फलस्वरूप हम आप सब लोग पुनः जयपुर में विद्यमान ये वृंदावन कनक वृंदावन और उसमें भी श्री गोविंद देव प्रभु का ये मंगल परम पावन स्थान जहाँ पर पुनः हम लोग इस अकिंचन कथा के भाव से एकत्रित हुए हैं। गत वर्ष श्री गोविंद देव जी के चरणों में भी यहाँ अकिंचन कथा हुई थी, लेकिन पिछले वर्ष भागवत की कथा में भी हमने शायद एकादश स्कंद का भाव यहाँ पर कहा था। तब से ही इच्छा थी कि श्री गोविंद देव जी के चरणों में जयपुर में पुनः एक बार फिर से कथा का क्रम हो, लेकिन समय का अभाव, समय भी नहीं था और फिर अकिंचन कथा इतनी सहज लग जाती है लोगों को कि फिर वो साधारण वाली कथा हमारी बुक ही नहीं होती। सब कहते हैं यही करो, अकिंचन ही सुननी है। तो ये था कि नहीं, ये तो साल में एक ही बार करेंगे, क्योंकि कथा भागवत का रूप बृहदी होना चाहिए। ये तो केवल एक अपने सुख के लिए और जिनको वास्तव में ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति से काम है उन लोगों के लिए ये कथा का क्रम हो और साल में एक ही बार हो, अपने भाव से हो। तो पिछली बार तो कोविड काल था तो तब हमने बताया भी नहीं था कि कहाँ क्रम है, लेकिन अपने आप सब लोग आए और आकर के सुख लिया कथा का। इस बार तब से ही भाव था कि कथा होनी चाहिए, तो समय तो 7 दिन का नहीं था इसलिए 5 ही दिन का ये समय निकाल करके इस बार का क्रम रखा है। भागवत की कथा नहीं है लेकिन भागवत से कुछ विलग भी तो नहीं है, सब भागवत में विद्यमान है। तो इस बार इस कथा का क्रम रखा 5 दिन का और भाव रखा गोपाल के सखा। ठाकुर जी के सखाओं की चर्चा और सबसे बड़ी बात एक संबंध सबको आवश्यक है ठाकुर जी से बनाना, और उसमें सबसे सहज और सबसे प्रिय संबंध है सखा का।
तो भाव ये था कि इस कथा के माध्यम से 5 दिन में केवल इसी विषय पर चर्चा हो कि ठाकुर जी को कैसे सखा प्रिय हैं और उन सखाओं के भाव क्या होते हैं और उन सखाओं से हमें क्या सीख करके अपनी सेवा में, अपनी दिनचर्या में ठाकुर जी के भाव में कैसा सखत्व रखना है। हम 5 दिन में केवल यही श्रवण करें। आज प्रथम दिन है कथा का और मैं कल ही रात्रि में अपने कथा को पूर्ण करके राउरकेला और फिर वहाँ से यहाँ आ पाया। इस बार हमारे कथा के मनोरथी जोधपुर से पधारी हैं माताजी कृष्णा माताजी। आप ही जोधपुर से आई हैं कथा के लिए, सब व्यवस्था के लिए। आप और आपकी पुत्री इस कथा के, वैसे तो इस कथा के मनोरथी सब लोग हैं। इस कथा में किसी भी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था तो रहती नहीं, सब सामान्य साधारण बिल्कुल सरल भाव। मैंने कहा कि हमारी अकिंचन कथा की प्रारंभिक आरती चंद्रमा करते हैं और विश्राम आरती सूर्य करते हैं। आज तो थोड़े लेट हो गए, कल तो 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी कथा, तो 5 बजे आरती कौन करेंगे? श्री चंद्रमा जी उस समय आरती में रहते हैं और विश्राम आरती 7:30 बजे तक रहती है, तब तक यहीं सूर्य प्रकट हो जाते हैं, तो सूर्य आरती करते हैं। हमारी कथा के आरती करता भी सूर्य चंद्रमा है। यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था नहीं है, कोई टेंट हाउस वाले नहीं है, एक टेंट हाउस है, यही अनंत टेंट हाउस बोल लो इसको, ये अनंत टेंट हाउस है। ऊपर यहाँ पर कोई एसी मित्सुबिशी का या एलजी का या किसी और का नहीं है, यहाँ पर एसी भी स्वयं पवन देव का ही एसी लगा है, उनसे जितनी हवा मिल जाए उसी में ही संतोष करो। यहाँ पर स्टेज किसी बढ़िया आर्टिस्ट ने नहीं बनाया है, लेकिन हाँ विश्व के आर्टिस्ट ब्रह्मा ने ही बनाया है, उसी का ही सब ये क्रियाकलाप है। तो वो सामान्य कथाएं हैं, ये अकिंचन कथा है। सामान्य कथाओं की व्यवस्था मानव करते हैं, लेकिन अकिंचन कथा की व्यवस्था तो ठाकुर जी और ठाकुर जी के समस्त परिकर करते हैं। इस कथा का इंतजार सबको रहता है, मुझे भी बहुत रहता है कि कब अकिंचन का भाव प्रकट हो, हम लोग जाएं और कुछ कथा का क्रम करें। हमारे लोकेश जी जयपुर से ही हैं, इनका भी बहुत दिन से भाव था, महाराज जी कब आओगे जयपुर में, कब कोई क्रम रखिए, 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का। तो फिर ये बीच का भाव 5 दिन का ही रखने का अवसर मिला, लेकिन परम सुख परम आनंद के साथ में अगले 5 दिन तक खूब आनंद करेंगे, खूब उधम मचाएंगे, खूब ठाकुर जी के मुखोल्लास के क्रम रखेंगे। एक आध दिन शाम को भी ठाकुर जी का उत्सव, एक दिन सरस कुंज में और एक दिन अन्य स्थान पर है, उसकी भी भूमिका जैसी बनेगी बताएंगे। और एक आध दिन अगर लाल जी का भी आगमन हो पाया तो यहाँ पर वो भी करने का प्रयास करेंगे। तो गोपाल के सखा, सबसे पहली बात बंधुओं, ठाकुर जी कभी किसी को मित्र नहीं बनाते, ठाकुर जी सखा बनाते हैं। और मित्र और सखा में पहला अंतर यहीं पर प्रारंभ होता है कि मित्र का मतलब स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। जो स्वार्थ सिद्धि के लिए ठाकुर जी से मित्रता करे, कुछ कामनाओं से ठाकुर जी के सन्मुख जावे और कहे कि हाँ ठाकुर जी तो मेरे संग रहते हैं, ठाकुर जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको अपना मित्र मानता हूं आदि आदि, लेकिन केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति का ही भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी का मित्र हो सकता है, सखा नहीं हो सकता। मित्रता और सखा में दूसरा अंतर यह है कि मित्र मतलब वन साइडेड कनेक्शन, एक तरफा प्यार, मतलब तुम्हारी ओर से है, ठाकुर जी की ओर से नहीं रहेगा। आप उनको सखा मानो तब वो आपको सखा मानेंगे।
और उस सखत्व के लिए हमें क्या क्या करना है, उसी की चर्चा अब चलने वाली है। अपने बौद्धिक भाव से, मौलिक भाव से जो जो मुझे प्राप्त होगा, आज तो मैं 6 लक्षण लेके आया हूं सखाओं के, लेकिन 5 दिन में जो जो लक्षण मुझे याद आते जाएंगे मैं सब बताऊंगा। आप लोग या तो उसको याद कर लेना या फिर कहीं मिले तो लिख लीजिएगा। और फिर इन 6 लक्षणों को हम किस किस में देखते हैं, हमारे कलयुग के अष्ट सखा हुए, द्वापर युग में अर्जुन हुए, उद्धव हुए, सुदामा जी हुए, द्रौपदी हुई, ये सब भगवान के सखा हैं। इनके ऐसे कौन से लक्षण हैं, इनके ऐसे कौन से भाव हैं जिस पर दयानिधि रीझ गए, जिस पर हमारे गोविंद देव जी रीझ गए, जिसके रीझने पर ठाकुर जी ने वो कृपा कर दी। हमको वो गुण ही चाहिए, हमें वो लक्षण ही चाहिए कि वो हम में आवे। उसके लिए ये गोपाल के सखा का क्रम रखेंगे। तो सबसे पहला, मित्रता और सखा दोनों में अंतर समझ ले। सखा का मतलब, मित्रता का मतलब यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले वो मित्र है। और सखा कौन? बोले सह खा देती, सह खेलती, संग खावे, संग खेले, संग रहे, संग ही सब क्रिया करे, वो सखा है। श्री कुंभन दास जी महाराज की गोद में श्री गिरधर लाल जी बैठते थे, साक्षात श्रीनाथ जी बैठते थे, और बैठ करके कुंभना कुंभना कहकर के ठाकुर जी चर्चा करते हैं। कुंभना आज तेने तिलक ना लगायो। कुंभन दास जी कह रहे हैं, लाला कहा करूं, आरसी को हमारी बछिया पी गई। ठाकुर जी बोले, ऐसी कैसी आरसी भैया तेरी जो बछिया पी गई। लाला कहा करूं, तुम्हारी कृपा सो जल ही आरसी है, और आरसी को कछु भाव ना है, तो आज पड़िया ज्यादा प्यासी, हमारे आरसी पी गई, हमारे तिलक ना लगायो। गिरधर लाल जी अपने हाथों से श्री कुंभन दास जी का तिलक कर रहे हैं, अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। कुंभन दास जी कहते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। आप में से जिन जिन के घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, उन सबको मेरो प्रणाम है। आप सब बड़भागी हो कि ठाकुर जी घर पधारे। कोई के घर में जाऊं और कोई मौसम यूं कहे ना कि महाराज जी हम वृंदावन से इतने दिन पहले गोपाल जी खरीद के लाए, मैंने कहा हाँ बेटा इतनी औकात हो गई तुम्हारी, तुम ठाकुर जी को खरीदोगे, इतने बलवान हो गए तुम कि ठाकुर जी को लेके आओगे। ठाकुर जी को तुम ना खरीद सको, ठाकुर जी ने कृपा करी है, कितनी विशेष कृपा तुम पर करी है, उस सहज तुम्हारे घर अपने आप आ गए हैं। तुम्हारे कितने अपराधन को क्षमा करवे के काज तुम्हारे यहां आ गए हैं। ठाकुर जी को हम थोड़ी खरीद सकें। कुंभन दास जी कह रहे हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। और तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़े, घन श्याम तेरे घर आवत है। कुंभन दास जी के ऐसे सखा वह लाल जी। और बंधुओं, ऐसा नहीं कि द्वापर में, इसी कलिकाल में श्री कुंभन दास जी के सखा वह ठाकुर जी। आजकल सखा का रूप वृंदावन में बदल गया है, लोग डलियाओं में ठाकुर जी को लेके घूमते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे सखा हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे परिवारी जन हैं, तो उनको डलिया में बैठा। ठीक है, उनके प्रति वो प्रेम रखो, वो भाव रखो, लेकिन ठाकुर जी हैं, ये मर्यादा भी तो कहीं कहीं रखनी है ना, ये संभालना है ना।
मान लीजिए कोई विशेष, कोई राज परिवार घराने का व्यक्ति, कोई राजा ही आपका मित्र बन जाए, ठीक है, आप मित्रता के भाव से उसके प्रति सहजता रखोगे, लेकिन कहीं कहीं ये भाव भी तो रखोगे, भाई वो राजा है, उसकी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं का भी तो विचार करोगे। ऐसे ही ठाकुर जी बंधुओं, याद रहे हम सखा तो बना लें ठाकुर जी को, लेकिन वो ठाकुर जी हैं, ये भाव भी हृदय में रहना चाहिए, उनकी अनुकूलताओं का विचार करना है। हम इतने बड़े वाले भक्त नहीं हो गए कि सबरी की तरह झूठे बेर ठाकुर जी के सन्मुख रख दें। अरे हमारे सखा हैं, उस भाव के लिए तो भावावेश में प्रवेश करना पड़ेगा, उतनी स्थिति हमारी अभी पहुंचेगी नहीं, पहुंच जाए तो कृपा ठाकुर जी की। तो सखा मतलब संग खावे, संग खेले, संग रहवे। श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी का भाव कैसा बताया कि ठाकुर जी एक दिन गोविंद दास जी के संग खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को घोड़ा बना दिया, गोविंद स्वामी को, और घोड़ा बना करके और ठाकुर जी उनके ऊपर बैठ गए और गोविंद स्वामी की दोनों चुटिया पकड़ करके ठाकुर जी जैसे मानो चाबुक खींच करके और जैसे घोड़ा चला में, ऐसे गोविंद दास जी कहें चल मेरे घोड़ा, चल मेरे घोड़े, और गोविंद दास जी चले, बोले लाल जी आनंद कर रहे हैं। चलते 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 बंधुओं, अन्यथा मत लेना इस कथा को, गोविंद स्वामी जी को लघु शंका लगी और उन्होंने ठाकुर जी से निवेदन किया, जय जय नेक उतरो। लाल जी बोले काय को उतरे, अरे मुकु बहुत जोर से शंका लगी है, मुकु शंका के काज निवृत्त तैरने जानो है। ठाकुर जी बोले बाबड़े घोड़ा कभी ऊपर बैठे वारे थे कहे कि उतर जाओ, मुकु शंका के काज जानो है। घोड़ा को लघु शंका लगे तो वो ऊपर से कहवे थोड़ी है, वो तो कर ही दे, और यदि तू या भाव में है ही ना है कि मैं तेरे ऊपर बैठा हूं तू मेरा घोड़ा है, तो फिर या भाव तू यही खत्म कर, लेकिन अगर तू या भाव में है तो या में ये भाव मतलब है कि तू मानव है। और गोविंद स्वामी जी ने विचार नहीं किया, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और निवृत्त हो गए, और किसी ने ये दृश्य देख लिया और जाकर के गुसाई श्री विठलनाथ जी से शिकायत कर दी, बोले आज गोविंद स्वामी जी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमको देख करके बिल्कुल उनके प्रति अश्रद्धा हो गई है। गुसाई जी बोले क्या किया गोविंद स्वामी ने, बोले ठाकुर जी ऊपर बैठे थे। अच्छा दर्शनार्थियों को थोड़ी दिखता था कि ठाकुर जी बैठे हैं, सबने कहा बोले गोविंद स्वामी एक तो घोड़े बने हुए थे और चलते 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 और लघु शंका से निवृत्त हो रहे थे, शंका का समाधान कर रहे थे। गुसाई जी ने कही रुको मैं बताऊंगा। गोविंद स्वामी जैसे ही आए तो गुसाई जी ने खूब फटकारे, बोले तुम आचार विचार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, मर्यादाएं सारी भूल गए हो, अरे लाल जी के अंग से भी हो, लाल जी के राग से भी हो, कीर्तनिया हो, तुम लोगों को देख करके सबको प्रेरणा मिलती है और तुम ही यहां पर तिरस्कार कर रहे हो और मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, हमारे यहां पर खड़े होकर के शंका का समाधान करने पर भी मना किया जाता है और तुम तो जो है बिल्कुल अलग ही आकृति में शंका का समाधान कर रहे हो। गोविंद स्वामी नेत्रों से नीर बहाने लगे और मुस्कुराते भए बोले गुसाई जी क्षमा करियो, लेकिन वास्तव में सेवा में हतो ठाकुर जी की। गोविंद स्वामी बोले ऐसी कैसी सेवा, लघु शंका का समाधान तुम सेवा कह रहे हो। गोविंद स्वामी जी मुस्कुरा करके बोले लाल जी पीठ में विराजे भए, और जब पीठ पर सारथी बैठो है और मैं घोड़ा के रूप में हूं तो वास्तव में मैं ये भाव कैसे भीतर ले आऊं कि मैं एक मानव हूं, मैं तो ले भी आयो, मैंने एक बार कुछ चूक कर दी अपनी सेवा में, लेकिन ठाकुर जी ने चूक नहीं करी, वे मुकुट तब भी घोड़ा स्वरूप ही मानते रहे, उनकी आज्ञा से मैंने ऐसा किया। तब श्री गोविंद स्वामी जी के इस भाव को सुनकर के श्री विठलनाथ जी बड़े भावुक हो गए। कहने का अभिप्राय इस भाव से क्या पता चला कि कोई भी संबंध हो, अब गोविंद स्वामी जी तो घोड़े बने हैं, उस संबंध में हम चूक कर जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जिस संबंध से तुमने स्वयं को
प्रस्तुत किया है ना, ठाकुर जी उसमें चूक होने नहीं देते। ठाकुर जी यही देखते हैं कि तुम चूक कहां रहे हो। जो संबंध ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, जिस भाव से ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत हो, उस भाव में पूर्णता हो, कहीं हम चूके ना, ये विचार करना, ये एक सखा का पहला लक्षण है। चूक नहीं होनी चाहिए। तुमने लाल जी को यदि सखा मानो है तो अपने सखत्व को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करो ठाकुर जी के सम्मुख। दूसरा भाव बंधुओं, सखा के अंदर क्या होना चाहिए? सखा विरक्त हो। विरक्त बोले तो आज के लोग, सांसारिक लोगों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। कैसे भी रहो, अपने आप में प्रसन्न रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां बात ठाकुर जी से संबंध की है तो संबंध रखने वाले ध्यान दीजिएगा, वो विरक्त होने चाहिए। विरक्त बोले तो जैसे श्रीमद् भागवत में कुंती, कुंती जी भगवान से क्या कहती हैं कि यथा ऋषिकेश खले कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम्, कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम्। जगत् पवित्रं प्रगणी कहते वयैव नाथेन मुह विपद्गणात्। कुंती जी कह रही हैं यथा ऋषिकेश खलेन देव की, पूरी बात समझने की जरूरत नहीं है, पूरी स्तुति बतानी पड़ेगी। लेकिन कुंती जी की स्तुति में एक भाव मैं अपनी कथा में भी कहता हूं। कुंती जी ठाकुर भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति, और वो कुंती ठाकुर जी से कह रही है त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। ये एक अक्षर इतना भारी अक्षर है, इतना विशेष अक्षर है ये त्वयैव नाथेन। कुंती भगवान से कह रही है कि संसार के लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारे हैं इसके साथ साथ हमने ये भी स्वीकार किया, ये कौन है? बोले ये मेरे भैया हैं। ये कौन है? ये मेरी बहन है। ये कौन है? बोले ये मेरे पति हैं। ये कौन है? ये मेरे पिता हैं। ये मेरी पत्नी है। ये मेरा बेटा है। ये मेरा परिवार। हम सबको भी स्वीकार करते हैं और सबके संग ठाकुर जी को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कुंती क्या कह रही है? त्वयैव नाथेन, बाकी सब संबंधी जितने भी हैं मैं उनको नहीं जानती, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरा कौन है तो मेरा इस संसार में केवल एक है, और वो केवल और केवल श्री गोविंद देव जी हैं। त्वयैव नाथेन, अपना कहने लायक संसार में केवल और केवल नाथ आप हो, आपके अलावा संसार में और कोई अपना है ही नहीं। ये बात विशेष है कुंती की, इसी को कहेंगे सखत्व का पहला भाव विरक्ति। संसार में भी आ सकती है, संसार के संबंधों में भी आ सकती है, और उन सब के मध्य में ठाकुर जी में भी आ सकती हो जाए, नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाए। इतनी छोटी गली है प्रेम की, हमने वहां में जाने कितने लोग बैठा रखे हैं, कितने लोग बैठे हैं, पत्नी भी बैठी है, बच्चा भी बैठे हैं। ये सब तो चलो ठीक है, संसार के संबंध है, ये तो बैठते ही हैं उस प्रेम गली में। कई इनके तो बहुत विचित्र विचित्र बैठे हैं। जयपुर की हींग की कचौड़ी बैठी है वह प्रेम गली में,
एक वो गोविंद देव जी के पास में चाय वाले हैं, साहू चाय वाले, वो बैठे हैं वहां प्रेम की गली में। कोई के मारवाड़ी वो जोधपुर की कचौड़ी बैठी है वहां प्रेम गली में। सबन को प्रेम जा जा से है, वो सब बैठे हैं वहां गली में। इतनी सारी बहु व्यंजन हमने उस प्रेम गली में बैठा रखे हैं, वहां ठाकुर जी कैसे जाएंगे? और वहां में भी जब लाल जी टेढ़े मेढ़े हैं, चले सीधे ना है, टेढ़े मेढ़े हैं, सब ही अंग को बांको गिरधर, टेढ़ी चाल चलत गोकुल में, यही मनोहर झांको, मोहन सब ही अंग को बांको। ठाकुर जी भी टेढ़े मेढ़े और वो प्रेम गली भी छोटी सी, वहां में भी तुमने इतने भर रखे हैं, तो प्रेम गली भारती देखते होंगे ठाकुर जी या कि गली कैसी है। अरे भैया बहुत भर रहे हैं, यहाँ में तो कूड़ो कचड़ो बहुत है और इतनी ज्यादा भीड़ भर रही है, और मुकू तो स्वच्छंदता चाहिए, सहजता चाहिए चलवे के काजे, यहाँ में कैसे भीतर प्रवेश करूंगा? भारती देख के ठाकुर जी राम राम करके चले जाएं। इसलिए कुंती जी का भाव कहता है त्वयैव नाथेन, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। बहुत सुंदर भाव है, सब लोग मेरे साथ में गई हो, इसी को कहेंगे विरक्ति का भाव। संसार सब अपना है, सबके गुणगान। किसी का बेटा बहुत अच्छा बन जाए, आदमी उसके गुणगान गाने में चूकता नहीं, मेरा बेटा ऐसा ऐसे कॉलेज में पढ़ा, ऐसी उसने पढ़ाई की, इतना कमाता है, ये है वो है फलाना ढिनका आदि आदि। बेटी के बारे में बताएंगे, ऐसे घर में शादी हुई महाराज, मेरे जमाई राजा ऐसे हैं, मेरी उसके पिताजी ऐसे हैं, सास ससुर ऐसे हैं आदि आदि उसका गुणगान। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को कहते हुए सुना मेरे घर के गोपाल जी ऐसी लीला करते हैं, मेरे घर के ठाकुर जी के ये भाव है, मेरे घर के ठाकुर जी ऐसा करते हैं, उनका गुणगान करते हो ना? और फिर बनना चाहते हो आप सखा। पहला भाव अपने भीतर विरक्ति ला। विरक्ति मतलब संसार के प्रति आसक्ति ना करके वो आसक्ति केवल और केवल ठाकुर जी के प्रति। अच्छा एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं आज आप सब लोगों को, अकिंचन कथा सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा सबको, ना धो के 5 बजे तक आना, तो जरूरी नहीं आज जितने आए हैं कल भी आएंगे, हो सकता है कल एक दो एब्सेंट हो जाएं, इसलिए आज ही ये प्रैक्टिकल सुन जाओ। आपके जितने भी अवगुण हैं, हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, दो ही लोग जानते हैं, या तो आप खुद जानते हो या गोविंद देव जी जानते हैं। तीसरा, चाहे आपने ब्याह करके 14 वर्ष अपनी पत्नी के संग रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो, चाहे कितने भी बच्चे आपके पास रहे, लेकिन आपके उस दुर्गुण को वो भी नहीं जानते। अपने उन दुर्गुणों का भाव आज एक कागज में लिख लेना, कौन कौन से दुर्गुण है सब लिखो, और अब उनको नष्ट करने का प्रभाव भाव नहीं रखना है कि मेरे दुर्गुण नष्ट हों। उन्हीं दुर्गुणों से ठाकुर जी की भक्ति कैसे होगी? आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कह रहे हो आप, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ये आसक्ति, ये मोह, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि जितने भी दुर्गुण हैं हमारे हृदय के, ये दुर्गुण कब हैं? जब इनका भाव संसार के प्रति है। यदि इन्हीं का भाव मोड़ करके ठाकुर जी के प्रति कर दिया जाए तो यही आसक्ति, यही मोह, यही काम, यही क्रोध, यही लोभ, यही भक्ति बन जाएगा। आपका दुर्गुण ही आपको भगवत मार्ग पर ले जाएगा, आपका दुर्गुण ही ठाकुर जी की प्राप्ति करा देगा। इसलिए आज एक काम कीजिएगा, आज जाकर के लिखिएगा, और ऐसा हो सकता है कि आप खुद लिखने में चूको कि भाई मैं क्रोधी हूं, क्रोधी इतना क्रोधी तो नहीं, काट दोगे फिर उसको, इसलिए किसी और से लिखवाना। तुम घर पे जाना, मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई जो भी हो घर में, उसको कहना आज एक तुमको काम है क्या, मेरे अंदर जितनी कमी है सब लिख के मुझको दो। चूकना नहीं, ये नहीं कि नहीं यार ये लिख दिया तो बुरा मान जाएगा, नहीं, तेरे को जो लगता हो वो लिख दे, शर्त ये है कि तुम भी उसको मार मत देना शाम को कहीं पर्चा देख के बोले अच्छा तेने ये लिखा, नहीं, जो लिख दे उसको स्वीकार कर लेना।
और फिर अपने दुर्गुणों को बढ़िया फोल्ड करके उसको ठाकुर जी के सामने एक बार प्रस्तुत कर देना। लाल जी कौन कुटिल खल कामी मौसम, मेरे अंदर ये सारे दुर्गुण हैं। अब भक्ति भाव, पवित्र भाव, शुद्ध भाव आदि से तो मैं आपको मनाता ही हूं, लेकिन अपने इन दुर्गुणों को ही अब मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने वाला हूं। मेरे अंदर क्रोध बहुत है, याद रखियो कल से आपकी दर्शन की अभिलाषा प्रारंभ होगी। नहीं दिया करोगे, नहीं भाव प्रकट किया करोगे, नहीं अनुभव कराया करोगे, नहीं स्वप्न में आया करोगे, तो फिर ये क्रोध आप पर ही लागू होगा। मेरे अंदर मोह बहुत है, किस वस्तु का मोह है, आदि आदि वस्तुओं का मोह है, लेकिन अब वो मोह संसार के प्रति ना हो के आपकी भक्ति का होगा, आपकी कथा का होगा, आपके गुणगान का होगा, और यदि वो प्राप्त नहीं होगा तो फिर याद रखना आप अपने दुर्गुणों को ही ठाकुर जी की भक्ति में प्रयोग में ले आओ। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे। गोप्य कामात भयात कंस, नारद जी महाराज कहते हैं गोपियों ने काम से भजा, कंस ने क्रोध से और ठाकुर जी से बैर करके भजा, इसका क्या अभिप्राय है? आपके दुर्गुण ही भक्ति बन जाएंगे, उनको बदलने की जरूरत नहीं है, उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको समाप्त करने की जरूरत नहीं है। वो दुर्गुण इसलिए क्योंकि संसार के लिए। कुंती कह रही है मेरे तो केवल और केवल ठाकुर जी हैं, जैसे मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन श्री कृष्ण दास जी का ये पद है, सब लोग मेरे पीछे दोहराना, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो आज के बाद जितनी प्रशंसा अपने प्रियजनों की, जितनी प्रशंसा अपने परिवारीजनों की करते हो सब बंद करो। अब से प्रशंसा किसकी होगी? हृदय में बैठे हुए, कुंज में बैठे हुए या हमारे घर के शोभा को बढ़ा रहे गोपाल जी की प्रशंसा होगी। और बंधुओं प्रशंसा तब की जाती जब दिखता है, आपको दिख ही नहीं रहा इसीलिए आप करते नहीं हो। और वो दिखेगा कब? जब सखा बन जाओगे तब दिखेगा। हम अपने लाल जी के कितने भाव बताते हैं, इन जैसो ऊधमी ठाकुर नहीं है कोई, इतना ऊधम मचाते हैं, इतना भाव रखते हैं, इतनी 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 लीलाएं करते हैं कि मैं क्या बताऊं। और 5 दिन है, बताते ही रहेंगे गाव भाव से। मेरे तो गिरधर ही श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं यह मूरत खेलत नयनन में, यह मूरत खेलत नयनन में, यह मूरत खेलत नयनन में, यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान, यही हृदय में ध्यान हो, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही
ए मेरे तो गिरधर हे गुण गान, मेरे तो गिरधर श्री राधा रमण लाल की जय। यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में धान। कृष्णदास जी कहते हैं कि नेत्रों के आगे दिखने वाली हर वस्तु ऐसा लगे कि लाल जी कोई लीला कर रहे हैं। मैं ऐसा ही रखता हूं भाव, कभी 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 होता है। इतने बड़े वाले भक्त हम भी नहीं है कि हमको नित्य ऐसी दिखता हो, लेकिन हाँ कभी कभी सच में लगता है। कथा में कभी बढ़िया तबला बज जाए तो ये नहीं लगता कि हमारे तबला वाले भैया ने क्या बढ़िया तबला बजाया, यूं लगती है कि आज लाल जी आगे बैठ गए हमें। अरे क्या बढ़िया त्रिकट लगा रहे हैं, क्या बढ़िया घुमक बजा रहे हैं, क्या बढ़िया आनंद करवा रहे हैं। कभी सारंगी वाले बढ़िया बजा में तो यूं ही लगे कि आज लाल जी की इच्छा भई होगी, हमारे आके स्वयं ही बजा रहे हैं। कभी सामने श्रोता कोई बहुत सुंदर नृत्य करे तो आपको देख के वहां लगे कि आज यहां में ठाकुर जी आके नृत्य कर रहे हैं। कभी कोई श्रोता बहुत भाव से कथा सुने तो लगे देख अपनी कथा स्वयं सुन रहे हैं। और कभी कभी पीछे बैठे हुए श्रोता सो भी जामे तो यहां लगे लाला थक गो बेचारो, सो गए हो। यह मूरत खेलत नैनन में, ठाकुर जी की वो सुंदर मूरत जो है वो नेत्रों में खेलती है। किस रूप में खेलती है? ये संसार जगत ही जगदीश है, यहां होने वाली प्रत्येक लीला को ठाकुर जी का ही भाव समझो, उसी भाव से उसको स्वीकार करो। जंगल में जाते हैं तो आदमी को यही भय रहता है कि कहीं बाघ ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, कहीं शेर ना आ जाए। कभी ये भय रहता है कहीं सामने मुरली मनोहर ना आ जाए, कहीं मोर मुकुटधारी वंशी बजाते हुए ना आ जाए, ऐसा भाव रहता नहीं। इसलिए ठाकुर जी आते नहीं, बाघ ही आता है सामने। और फिर भी लोग दुखी निराश हताश, हमको बाघ नहीं दिखा, हम जंगल में घूम के आए। अरे उसी सघन कुंज में कभी ठाकुर जी को खोजने जाओ। रसखान वृंदावन होकर के निकल रहा है और मन में यही चिंता आगरा से उसके शुरू हुई कि कहीं वो श्याम सुंदर तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो सांवला तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो मुझको अपना तो नहीं बना लेगा। मैंने सुना है वो एक बार जिसको देख लेता है उसका चित्तरण कर लेता है, कहीं वो मेरे सामने तो नहीं आ जाएगा। अरे छोटा सा बालक ऐसा क्या है उसमें जो सबको अपना बना लेता है? उसका चिंतन यही था, उसके नेत्रों में, उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में भाव यही था। वो भले ही भय के कारण था लेकिन भाव था ठाकुर जी का। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया है, रसखान ने केवल एक छवि देखी है दूर से, डर रहा है कहीं इस गली से ना आ जाए, कहीं यहां से ना आ जाए, पीछे से ना आ जाए। इतने में ही ठाकुर जी पहुंच गए, केवल उसको बांकी अदा से एक छवि का दर्शन कराया। रसखान सदा सर्वदा के लिए उन्हीं के हो गए। हमारे हृदय में ऐसा भाव कहाँ है? हमारे नेत्रों के आगे दिखने वाले हम हर व्यक्ति को ये सोचते हैं ये व्यक्ति है और ये उसका गुण है, ये उसका अवगुण है, ये बदल दो। ठाकुर जी का भाव रखो, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी देखो कितने सुंदर श्रृंगार करके आए। अच्छा देखो दृष्टि बदलेगी, कोई स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष को देख के ये भाव रखे देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना हैंडसम है, कितना बढ़िया लग रहा है, तो यहां पर काम प्रकट होता है। कोई पुरुष स्त्री को देख करके सोचे कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया लग रही है, तो यहाँ पर भी एक वासना की भावना आती है। लेकिन वहीं पर यही भाव रखो, ये इतना सुंदर है, इतना बढ़िया हैंडसम लग रहा है, इसको
इसको बनाने वालों हमारो लाला कितना सुंदर होगा, हमारो कन्हैया कितना सुंदर होगा। ये इतनी सुंदर है तो सोचो श्याम सुंदर की प्रियसी, श्याम सुंदर की प्रिया हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। ये भाव रखो, हमारे भाव में ही दूषितता है तो ठाकुर जी कहां से दिखेंगे हमें। यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान हो, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, हे मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे हो चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो। देखो बंधुओं, जैसे समाज गायन होता है ना, सब उच्च स्वर में गाते हैं। क्यों गाते हैं? समाज ठाकुर जी को अति प्रिय है। इतने सारे भक्त बैठे हैं और कोई एक ही गा रहा हो ना तो लाल जी को कष्ट होता है। इतने सबरे बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, मेरे को याद कर रहे हैं कि गा एक ही रहे हो। समाज में गाओ, सब संग में गाओ, भाव से गाओ। राग और ताल की चिंता मत करो, बस भाव की चिंता करो। हम समाज में गावे चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, यह दीजो वरदान हो, मेरे तो यह दीजो वरदान, यह दीजो वरदान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को मंगल रूप निधान गिरधर, मंगल रूप निधान, मंगल रूप निधान गिरधर, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गिरधर ही गुण गिरधर ही गुणगान। श्री गिरधर लाल की।
कृष्ण दास को जीवन गिरधर मंगल रूप निधान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। काय रो भैया, बार बार लाइट कैस जा रही है। तो ये भाव रखना है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो भाव प्रकट हुआ था पहला ठाकुर जी के गोपाल के सखा में विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति बोले तो संसार के प्रति आसक्ति नहीं। आप कहो महाराज जी वो खत्म ही नहीं हो रही हमारी आसक्ति, तो क्या करें? बिल्कुल खत्म मत करो, जिनके प्रति आसक्ति है उनमें गोपाल जी का दर्शन कर लो, उनमें गोपाल जी का भाव रख लो। जिनके प्रति आसक्ति है उनमें ही गोपाल जी का भाव रखोगे तो फिर वो आसक्ति ही भक्ति बन जाएगी। मार्ग बंधुओं पूछने नहीं पड़ते, मार्ग खोजने नहीं पड़ते, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ, मार्ग वो अपने आप प्रदान करते हैं। विरक्त, संसार के प्रति जो आसक्त नहीं है, ठाकुर जी के सखा का पहला लक्षण। ऐसे भी एक जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी के भाव जब सुनते हैं, जब आनंद लेते हैं तो आनंद होता है। अभी उड़ीसा से ही आ रहे हैं, वहीं राउरकेला नामक एक स्थान है, वहां से कथा करके पधारे। श्री जगन्नाथ जी का भाव भी हृदय में रख के आए हैं। तो माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। माधवदास जी को एक बार पेट का एक रोग हो गया, जिस रोग के कारण उनका मल मूत्र प्रवाह होता रहता था। कथा तो बहुत लंबी है उनके पूरे जीवन चरित्र की, परंतु वे जब जगन्नाथ जी आकर के रहने लगे, नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगे, सुबह दोपहर शाम जगन्नाथ जी का ही भाव रखते थे, तब उनको ठाकुर जी ने एक ऐसा एक कष्ट जैसा दिया। बंधुओं, एक प्रश्न हम सबके हृदय में कभी कभी प्रकट होता है कि ठाकुर जी की इतनी भक्ति करने के बाद, ठाकुर जी की इतनी कथा श्रवण के बाद, इतना भजन करने के बाद भी ठाकुर जी कष्ट हृदय में क्यों देते हैं, जीवन में कष्ट क्यों देते हैं? अब हम इतनी कथा करते हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए ठाकुर जी कष्ट ना दे में, लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सबको कष्ट देते हैं, हमारे जीवन में भी कष्ट आता ही है। कितने बड़े बड़े संत ऐसे हैं, खूब कथाएं करते हैं, खूब भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ठाकुर जी का भाव सदैव हृदय में रखते हैं, कभी मन से भी किसी का तिरस्कार नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सावधान रहते हैं, लेकिन जीवन में कष्ट, जीवन में या तो शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या धन का कष्ट या बौद्धिक कष्ट, कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। तो ठाकुर जी की इतनी सामिप्य मिलने के बाद, सब कुछ इतना सहज होने के बाद भी कष्ट कम क्यों नहीं होता? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, श्री माधवदास जी की ये कथा बड़ी प्रेरणादायक है। तो माधवदास जी बड़े विरक्त थे, किसी में आसक्त नहीं थे, श्री जगन्नाथ जी में ही पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार उनको एक रोग हो गया, जिस रोग के कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था, और वो जितनी बार शौच जाते थे उतनी बार स्नान करते थे। स्थिति ये हो गई कि दिन में 25 बार शौच जाते तो 25 बार स्नान करते। अब बार बार स्नान करने के बाद से उनको फिर वो शरीर का एक और रोग निमोनिया हो गया। इतने रोग से युक्त हो गए कि भजन भी छूट गया, दर्शन भी छूट गया, स्मरण भी छूट गया ठाकुर जी का, क्योंकि भक्तजन स्मरण करते हैं ठाकुर जी का, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में ठाकुर जी का ध्यान भी नहीं करते,
क्योंकि भाई हम जब निवृत्त हो रहे हैं, मलमूत्र आदि का परित्याग कर, उस समय ठाकुर जी का स्मरण कैसे करें? अब पूरा दिन ही जब उसी में निकल रहा है तो ठाकुर जी का स्मरण भी नहीं हो पा रहा। स्मरण, दर्शन और नाम जब, भक्ति सबसे निवृत्त, निवृत्त क्या, बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। माधवदास जी समुद्र के किनारे बैठे थे, अत्यंत दुखित, बार बार शौच के लिए जामे पर समुद्र में ही बैठ जाएं, उसी के जल से ही स्वयं को पवित्र करें, जगन्नाथ जी का स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति यहां पहुंच गई कि अब तो माधवदास जी उठ करके अपने मल को अपने हाथों से स्वच्छ भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना रुग्ण शरीर हो गया माधवदास जी का। तो बंधुओं, केवल सेवा भक्त की ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं, ठाकुर जी की भी इच्छा होती कभी कभी मैं भी सेवा करूं। आज उन माधवदास जी की सेवा के लिए ठाकुर जी आगे आ गए, और जब माधवदास जी पड़े थे तो श्री जगन्नाथ जी स्वयं आए और स्वयं आकर के अपनी अंजलि में समुद्र के जल को लामे और माधवदास जी पर डाल दें, फिर जल लामे फिर माधवदास जी को डाल दें। लेकिन मल इतना तीव्र था कि वो जल से नहीं जा रहा था, जब तक रिगड़ेंगे नहीं तब तक नहीं जाना था, तो श्री जगन्नाथ जी ने अपने हाथ से उसको साफ करना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने माधवदास जी का स्पर्श किया तो अत्यंत कमजोर स्थिति में जो माधवदास जी रुग्ण हो गए थे, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही मानो जैसे एक ऊर्जा का संचार उनके हृदय में हुआ और वो तुरंत उठ करके बैठ गए और वो छग्म भेष धारण करके आए, रूप बदल करके आए, ठाकुर जी को तुरंत पहचान गए, बोले प्रभु आप? ठाकुर जी बोले तुम पहचान गए हमको? बोले हाँ नाथ पहचान गया, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप मेरी सेवा कर रहे हैं आप, और सेवा भी नहीं, इस प्रकार के अशुद्ध भाव से आप मेरे को, मैं अशुद्ध स्थिति में हूं, आप तब आकर के मेरा स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जगन्नाथ जी बोले केवल तुम कोई सेवा का अधिकार है क्या? हमको नहीं है क्या? हम भी तो कर सकते हैं, हमको भी अच्छा लगता है भक्तों के पास जाना, थोड़ा उनका, उनकी सेवा करना, उनका भाव रखना, उनकी, उनका ख्याल रखना, हमको भी अच्छा लगता है। माधवदास जी कुछ नहीं बोले, जगन्नाथ जी को रोक दिया, बोले प्रभु बस आपका प्रेम मिल गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चर्चा होने लगी, चर्चा करते करते माधवदास जी शांत हो गए। जगन्नाथ जी बोले क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गए, क्या बात है? माधवदास जी बोले प्रभु एक बात बताओ, आपको मंदिर से यहां आना स्वीकार है, रूप बदलना स्वीकार है, मेरे मलमूत्र आदि को स्वच्छ करना स्वीकार है, मुझे पवित्र करना स्वीकार है, लेकिन मेरे को रोग को दूर करना स्वीकार नहीं। आप नाथ हो, जगन्नाथ हो, आप चाहो तो भीतर बैठे बैठे विचार कर लो कि माधवदास स्वस्थ हो जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, आप मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अभी तक अशुद्ध अवस्था में हूं, अभी तक पीड़ा में हूं, मेरी पीड़ा की निवृत्ति क्यों नहीं कर रहे हो? जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माधवदास, पीड़ा संकट ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं, ये हमारा सबका प्रारब्ध है, वो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा, लेकिन तुम सोचो कि मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्त हूं और मेरे जीवन में संकट ना आवे, और मैं भी एक प्रकार को तुम्हारा मोह लेकर के तुम्हारे कष्टों को यदि दूर कर दूं तो वो बचे हुए आपके जीवन के कर्म के कष्ट तो रह जाएंगे ना, उनको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, तुमको फिर से दुनिया में आना पड़ेगा, और इस बार चलो ठीक है सहजता से मैंने पार कर दिया, लेकिन अगली बार जरूरी थोड़ी मैं हर बार आऊंगा। इसलिए जब मेरी प्रीति किसी से बहुत ज्यादा होती है तो मैं सोचता हूं उसके जन्म जन्मांतरों के किए गए दूषित कर्मों को मैं एक ही जन्म में उससे भुगवा लूं, एक ही जन्म में उसको इतना कष्ट दूं कि वो सबसे निवृत्त हो जाए, उसको फिर दोबारा पृथ्वी में आना ना पड़े। हे माधवदास, जितना हो सके इस कष्ट को स्वीकार करके अब निवृत्त हो जाओ, क्योंकि यदि तुमने मेरी भक्ति करके और मेरे भाव स्वीकार करके या किसी प्रकार से इनसे बचने की कोशिश की और मान लो तुम बच भी गए तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म आना पड़ेगा। बंधु बहुत सावधानी से सुनना,
जीवन में आए कष्ट चाहे तन के हों, चाहे मन के हों, चाहे धन के हों, ठीक है हम मानव हैं, हमको लगे रहना चाहिए कि उस कष्ट से हमारी निवृत्ति हो, परंतु ठाकुर जी से कभी मत कहना कि ये कष्ट क्यों देते हो। एक प्रकार से एक एक साइड उसका पॉजिटिव भी रखो कि हाँ हम निवृत्ति तो हो रहे हैं, ठीक है मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म की कौन जानता है, और पहले मेरा एक ही जन्म हुआ वैसा भी तो नहीं, ना जाने कितने जन्म मेरे हुए होंगे, उनमें मैंने क्या क्या किया होगा, सब मुझे भोग रहा हूं मैं। और यदि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ठाकुर जी कुछ ना कुछ डाउनफॉल्स देते जा रहे हैं ना, तो फिर ये रिदम समझ लेना कि इस जन्म में आपके जो है आपको वीजा मिलने वाला है वैकुंठ का, ठाकुर जी यही संसार में सब खत्म करवा देने हैं। इसलिए कष्ट को ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई निवृत्ति जानो, मुक्ति जानो। शरीर में फोड़ा अगर हो जाए और वैद्य कहे कि भाई लाओ इसको दबा करके मैं निकाल दूं, आप कहो नहीं मेरे शरीर का फोड़ा है मैं नहीं दूंगा, तो आज एक है कल दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से पांच होंगे, पांच से दस हो जाएंगे। इसलिए भलाई किसमें, एक बार हो तो एक बार में ही निकलवा दो। तो ठाकुर जी ने ये जीवन अगर हमारा ले लिया कि भाई चल तेरे सारे फोड़े फोड़ू आज, जितने तेने पिछले कर्म किए सबको निकाल दूं इसी बार, तो निवृत्त हो जाओ, ठीक है ठाकुर जी ले सब निकाल दो, रखना नहीं। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि जीवन में एक दिन भी बिना कष्ट के गुजर रहा है ना, चिंता करो कहीं ठाकुर जी अगला जन्म तो नहीं देने वाले, हमको कष्ट क्यों नहीं दिया, आज कोई चिंता क्यों नहीं हुई मुझको, आज मेरे जीवन में सब सहज कैसे निकल गया। श्री माधवदास जी की कथा से ये प्राप्त हुआ। माधवदास जी बड़े विरक्त थे, तो ये तो एक भाव मैंने बताया, दूसरा भाव माधवदास जी का बड़ा सुंदर है। माधवदास जी इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वो जहां से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे, बोले जय हो श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को ये चीज बड़ी दुखी लगती थी, भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, भक्त को अपना ज्यादा मेरा यश हो जाए, ज्यादा मेरे बारे में लोग कहें, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि ठाकुर जी जब किसी से दूरी बनाते हैं ना, तो उससे दूरी बनाने के लिए उसको अति सम्मान दिलवा देते हैं, ले पड़ो रहे यही सम्मान में, मैं दूर जाऊं। ठाकुर जी को कोई तो बहाना चाहिए, जैसे कि शादी ब्याह में हमको किसी और कार्य में जाना है और बहुत सारे मेहमान आ गए, तो फिर हम उनको किसी ना किसी कार्य में व्यस्त कर देते हैं, या किसी और को कहते हैं आप थोड़ा इसके पास बैठो मैं आता हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी सम्मान रूपी मेहमान को हमारे पास भेज देते हैं, खुद चले जाते हैं। इसलिए भक्त को सम्मान की इच्छा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन माधवदास जी का इतना सम्मान होता था, माधवदास जी बड़े दुखी हो गए इस बात से। देखो ये सब श्रोता हैं कथा के, ये श्रोता बड़ी बड़ी कथाओं में कहाँ आते हैं, ये यहीं आए हैं। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं थोड़ा, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ठाकुर जी। तो श्री माधवदास जी ने जहां वो नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते थे, वहां के लोग रोज नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज बंगले बनाते, रोज नई नई तरीके से माधवदास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया, बोले कल से मैं यहां प्रसाद पाने नहीं आऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो माधवदास जी ने घर खोजा, और वो घर कैसा था, बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तभी एक गली में पहुंचे तो वहां एक एक बूढ़ी माता, बड़ी चिड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया, कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे, और पूरा मोहल्ला उससे डरता था, क्यों वो सबको सुनाती थी। माधवदास जी बोले ये घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी, मैया बोली अरे आप तो माधवदास जी हो, बोले हाँ हाँ मैया वही हूँ, वो जगन्नाथपुरी में बड़े आपके चर्चे होते हैं,
कैसे आए मेरे यहाँ? बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाओगे? बोले हाँ, हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया, दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो बना दूं। बना बनू के उसने माधव दास जी को पवा दिया। माधव दास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधव दास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे बाबा? बोले प्रसाद पाने आए। तो मैया को लगा इनको कल ज़्यादा स्वाद आ गया, इसलिए अब तो ये तो रोज आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के ज़बरदस्ती नमक ज़्यादा, किसी में मिर्च ज़्यादा, किसी में नींबू ज़्यादा। बोले इनको थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्च लगेगी, तो कल से आएंगे तो भी नहीं। माधव दास जी को दिया। माधव दास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल गया था कि नमक तेज जानबूझ के किया है, मिर्च तेज जानबूझ के करी है। और बार बार पूछ और रही थी कैसा बना भोजन। माधव दास जी बोले बहुत सुंदर, आज भूत कल से भी ज्यादा स्वाद है। मैया बोली बाबा को मुझे लगता है नमक मिर्च लगती नहीं है, कल से मैं डालूंगी ही नहीं। परसों फिर माधव दास जी पहुंच गए, आज उसने नमक और कुछ डाला ही नहीं। आज फिर बोले बाबा सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं? बोले बहुत स्वाद मैया, हर दिन एक नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधव दास जी को तो वो सम्मान से बचना था, इसलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ली। और यहाँ वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये रोज आ जाते हैं। आज वो इतनी चिड़के बैठी थी, बोले आज आंदया बाबा है, मैंने कहा कि आपको काय को रोज आ जाए। जैसे ही माधव दास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा जरूरी थोड़ी है अन्न की भिक्षा रोज चले। बोले नहीं कुछ भी चलती है भिक्षा तो। तो उस समय वो मैया पोंछा लगा रही थी तो चिड़ में आई, बोले ले तो फिर यही ये ले भिक्षा। वो पोंछा ही उठा के माधव दास जी पे फेंक दिया। माधव दास जी बोले कि भिक्षा तो स्वीकार है चाहे किसी भी रूप में मिले। वो पोंछा लेकर के माधव दास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधव दास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते थे नेत्र बंद करके पहले श्री जगन्नाथ जी को पवाते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोंछा मिला है, वो कैसे दें जगन्नाथ जी को? लेकिन विरक्ति और ठाकुर जी के सखा जो होते हैं ना, वो संशय में कभी नहीं पड़ते। उनकी बुद्धि वैकुंठ होती है, उसमें कुंठा नहीं होती। वैकुंठ का मतलब ये नहीं कि आप कहीं वैकुंठ में जाओ, ठीक है वो भी है, लेकिन वैकुंठ का मतलब ये भी है कि आपकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई उलझन नहीं है। माधव दास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोंछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूं आपको? तुरंत गए माधव दास जी समुद्र किनारे, तेज धूप में पोंछा सुखा दिया। जैसे ही वो सूखा तो उसको उसके सारे रोएं जो थे उनको निकाल दिया, सारे धागों को निकाल के हाथ से उसकी बत्ती बनाई, घी में डाल करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले माधव दास तुम्हारे इन भावों को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारी सेवा को मैं नमन करता हूं, कहां से लाते हो ये भाव? ठाकुर जी से माधव दास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी जब संसार की आसक्ति होती है ना तब आपकी भक्ति में मन चलता नहीं है, तब ये कैलकुलेशन, ये एडिशन, ये सबसेक्शन, ये सब चलते नहीं हमारे दिमाग में ठाकुर जी की भक्ति के। लेकिन जब हम सबसे विरक्त हो जाते हैं तो खाली बुद्धि क्या करे, पूरे दिन यही सोचती रहती है कैसे क्या निवेदन करना है, और उसी से ये भाव प्रकट होते हैं। तो ठाकुर जी की भक्ति में कभी संशय ना आवे उसके लिए विरक्ति। संसार में रहो सबके साथ, लेकिन आसक्ति केवल और केवल गोपाल जी में। हमारी कथा के विश्राम के यजमान आ गए, ये विश्राम यही कराने आते हैं ना कथा को, सूर्य नारायण आ गए हैं। बस थोड़ी देर में कथा को विराम करेंगे, कल ठीक 5 बजे कथा शुरू कर देंगे। 4:45 तक ही आ जाना सब लोग। 5 बजे कीर्तन करके कथा प्रारंभ करके फिर 6:45 आरती होती है, तो बीच में कीर्तन हो जाएगा। 7:15 तक ये सूर्य नारायण आ जाएंगे। कहो तो पता नहीं कल से इतनी तेज हो जाए कि आप बैठ ही नहीं पाओ, इसलिए क्योंकि ये भी यूँ कहेंगे जल्दी आरती करवाओ फिर मैं पूरे संसार को प्रकाश देने जाना है, इन पर भी बहुत काम है, कल से उसका भी ध्यान रखेंगे। तो सखा के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए? विरक्त हो। सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत।
एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत। शांत ही नहीं, अत्यंत शांत हो जाओ। एक तो होता है कि वाणी से तो नहीं बोल रहे हो लेकिन मन से खूब आपकी गप चप चल रही है, वो भी ना रहे, प्रशांत। अपने मन से भी शांत और अपनी वाणी से भी शांत। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है। श्री गोविंद देव जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा मोहन जी, विनोदी लाल जी, ये लोग बोलते क्यों नहीं है? जब मुख है, वंशी है, तो स्वर आता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने इतना शोर मचा रखा है। ठाकुर जी कहते हैं पहले तू ही बोल ले, पहले तू ही कर ले। जिस दिन हम प्रशांत हो गए, जिस दिन हम अत्यंत शांत हो गए, उस दिन ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे जाएगी। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। गाओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर उमरिया, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, ओ उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस नगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्री गोविंद देव लाल की। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, हे मन
की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। ये मोह माया की नदियां बह रही है ठाकुर जी, और हमारी मन की ममता को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन हम क्या करें, हम विवश हैं, हम नहीं बच पा रहे इससे, क्योंकि आपने ही फंसाया हमको इसमें। अब हम फंस तो गए तो क्या करें। हे नाथ, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे हमारे। नित्य पीयूष की धार बहती रहे, नित्य नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, ओ नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना, प्रेम की डोर उनसे बनाए रहे, हम श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे, हाँ हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम गोपाल के सखा इस विषय को लेकर के आगे के क्रम में हम लोग चलेंगे। कल ठीक 5 बजे सब आ जाना, 4:45 तक हम भी आने का प्रयास करेंगे, 4:45-5 के बीच में आ जाएंगे, और फिर आगे के क्रम में और सुंदर सुंदर भक्त और सुंदर सुंदर सखाओं के लक्षण सीखेंगे। तो आज का हमने जो भाव सीखा, विरक्ति, विरक्ति मतलब संसार में रहो, सबके संग रहो, लेकिन सब में ठाकुर जी को देखना भी एक प्रकार से विरक्ति है। किस वस्तु की विरक्ति? कि आपने उससे एक सामान्य संबंध को तोड़ दिया, अब वो ठाकुर जी का ही रूप है आपके लिए। विरक्त रहो, किसी में आसक्त मत रहो, और यदि आसक्ति छूट नहीं रही सामने वाले से, उसमें ठाकुर जी का भाव रखो। ये गोपाल के सखा का पहला लक्षण, विरक्ति। दूसरा, प्रशांत रखा है, अत्यंत शांत। इस भाव पर हम लोग कल बोलेंगे 5 बजे से। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके पधारें। श्री गोविंद देव सरकार की जय, कनक वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। आज प्रथम दिन कथा का यहाँ विराम होता है, अकिंचन कथा का ये भाव। और भी जो वैष्णव जन आना चाहें, सबको अपने संग लेकर के आओ, सबको इस कथा के बारे में बताओ, सबको सुबह बोलो 4 बजे नहा दोगे सब पहुंचो, कथा श्रवण करो, भाव से सब लोग पधारो, प्रेम और भाव से। अभी आरती होगी, और आरती के पश्चात फिर
यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे, कल ठीक 5 बजे पुनः मिलेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो श्री यशोदा को परम